इस बार प्लेसमेंट किया है और डाइव लगाने का कोशिश हरियाणा की ओर से, लेकिन बिल्कुल वहां पे डिफेंस नहीं कर पाए, लेकिन कमाल किया वहां पे धोनी के खिलाड़ियों ने 13-11 के मध्य, 11-13 बिल्कुल 2 पॉइंट बिल्कुल बरकरार है यहां पे खेड़ी के लिए। ये देखिए सर्विस मोर्चे पे और बाहर जाता हुआ, चले में नमक छिड़कने इसी को कहते गुरु। ये कार्य नहीं करना होगा टेढ़ी के खिलाड़ी को, अंकों को बनाना होगा तभी बात बनेगी, लेकिन यहाँ पे पंकज साहू का टीम है बिल्कुल बुद्धिमानी का काम करता हुआ नजर आता हुआ स्टेडियम में। ये देखिए और ये बिल्कुल घायल किया है खिलाड़ी को, बिल्कुल सेंटर के खिलाड़ी को निशाना बनाया है और डिफेंस करने में नाकामयाब हुआ है यहाँ पे सेंटर के खिलाड़ी। 1 पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पे हरियाणा टीम को और एक बार फिर मौका मिलता हुआ सर्विस का और इस बार बेहतरीन सप्लाई के साथ और मनीष के द्वारा बेहतरीन शॉट लगाया है। 1 पॉइंट मिलेगा हरियाणा को, बिल्कुल वहां पे लाइनमैन एम्पायर है वहां पे आउटलाइन से बाहर जाता हुआ और वो कारनामा करते हुए यहाँ पे हरियाणा टीम के खिलाड़ी करण मार्को जी भी बहुत खुश नजर आते हैं क्योंकि उनका टीम है हरियाणा। क्या बात है, एक ही आदमी डिफेंस लेकिन नाकामयाब रहे, छोटी कद के खिलाड़ी लेकिन पावरफुल शॉट था वहीं पे बैकफुट में नजर आता हुआ जाता हुआ यहाँ पे 16-12 की है मुकाबला चलता हुआ। श्याम जी धन्यवाद गुरु जी, सर्विस का मौका मिला टेढ़ी को सामना करेंगे हरियाणा खिलाड़ी, थोड़ी अंकों से आगे निकल चुकी हरियाणा पहला सीट आयोजित किया है, देखते रहेंगे हरियाणा खिलाड़ी टेढ़ी खिलाड़ी संभल नहीं पा रहे हरियाणा के शॉट को, काफी खुश होंगे सम्मानीय पंकज, सम्मानीय पंकज कौन मार्को जी, सम्मानीय कृष्णा जी साहू जी काफी खुश नजर आ रहे होंगे जो कि हरियाणा की टीम को लाने का श्रेय आप दोनों को जा रहा है। अरे फिर शायद लेकिन बाउंड्री के बाहर 4 रन के अंक मिलेगा टेढ़ी को, 13-17 का भाग दौड़ चलता हुआ महासंग्राम महामुकाबला इस छुगलपुरा के धरा पर हम सबको देखने को मिल रहा है। पूरे मंच में समस्त पार्टियों के सम्मानीय गोलवाना गठबंधन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अमर सिंह पोस्ते जी, सम्मानीय डिंडोरी जिला के लाडले नेता विधायक परमानंद ओमकार मरकाम जी और डिंडोरी जिला के गद्दावर नेता बसंती का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं जो कि आपने इस पावन धारा को अपने चरण स्पर्श कर सभी अतिथिगण हमें प्रदित किए हैं ग्राम शिथिल में, आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। अंकों में जैसी बढ़ोतरी होती है हरियाणा का तो शोक की नजर आती है, 18-14 का भाग दौड़ सर्विस हरियाणा को से सामना करेंगे टेढ़ी खिलाड़ी, सर्विस में तैयार हरियाणा के ऐसे गोरी तरह गनगनाता हुआ सर्विस, उतना ही सुंदर डिफेंस लेकर चला रहे चूंकि अंक मिलेगा हरियाणा को सम्मानीय जनपद सदस्य महोदय जी प्यारे नेताओं जी छलांग लगाना चाह रहे थे लेकिन चूंकि और अंक मिला आखिरकार हरियाणा को, धीरे धीरे आसमान और धरती का फैसला बनता हुआ चले हरियाणा की ओर से सर्विस और उतना ही सुंदर डिफेंस इस बार मौका है गुल्लू के बाद अंक अर्जित किया है गुल्लू ने और 15-19 का भाग दौड़ घेर बनाकर खेलने होंगे दोनों टीमों को। मैं पुनः उत्साह दोहराना चाहूंगा, लाख दलदल हो पैर जमाए रखना, लाख दलदल हो पैर जमाए रखना, जब तक जीत हासिल न हो तब तक हौसला बुलंद रखना, तब तक हौसला बुलंद रखना। और यही इस बार मौका है हरियाणा के सामने के पास अपने सुंदर डिफेंस का उपयोग करिए, इस बार मौका है फिर अपनी टोली के पास लेकिन उतना ही सुंदर डिफेंस हरियाणा की ओर से भी और एक इस बार मौका है लेकिन बाउंड्री के बाहर आ चुकी थी गेंद, कोशिश किया गया था दुर्गेश के द्वारा लेकिन चूके और अंक मिला हरियाणा को 20-15 का भाग दौड़ भारी भरकम लूट 5 अंक का बना चुका है हरियाणा, सर्विस के लिए तैयार हरियाणा, वही तैयार रहेंगे अद्दू के टीम और जो टीम जीतेगी उसके साथ अद्दू का टीम फाइनल मैच के लिए संघर्ष करेगी। और इस बार किसी तरह बॉल क्रॉस किया गया, देखना है हरियाणा के पाले में दोनों सदर चलो अच्छे शॉट ब्लॉक के चीर को ही फाड़ते हुए नेताम विजय के लिए तैयार किया था इसको सम्मानीय मुंशी साहब दोनी बारी आने वाली टेढ़ी की टीम जीतती है तो नगद 1,000 का राशि आपके द्वारा दिया जाएगा।
सम्मानीय मुंशी बिमल जी के द्वारा लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होते नजर आ रहा है तेरे के लिए। 22-15 का भाग दौड़ धीरे धीरे पूर्वे जी में तो कहना चाहूंगा जीत का सुगंध जीत का खुशबू हरियाणा की ओर जाती हुई लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है सम्मानीय प्यारे नेताओं जी का जनपद सदस्य का। आप संघर्ष करें मेहनत करें धैर्य का परिचय दें और अभी भी काफी समय है। 3 अंक की जरूरत है जीत के लिए हरियाणा को वही काफी अंकों की जरूरत है टेढ़ी को लेकिन सम्मानीय बिमल जी के द्वारा 1000 का राशि दिया जाएगा भी आप उस मैच को जीतते हैं तो सर्विस का मौका मिला है टेढ़ी को हरियाणा को भी मजबूर कर दिया है टेढ़ी ने लेकिन 17-22 का भाग दौड़ चलता हुआ और इस बार चकमा खाए हरियाणा खिलाड़ी और डिफेंस नहीं कर पाए अंक बाद थे अंक मिला इस बार 18-22 का भाग दौड़ जो कि 1000 का राशि सम्मान विमल जी के द्वारा दिया जाएगा टेढ़ी के टीम को और इस बार छोटी बार मारा जा रहा है डिफेंस किया गया मौका है गुल्लू के पास और ये मैच जैसे ही समापन होगी और हम सबके लाडले विधायक महोदय परम आदरणीय ओमकार मरकाम जी का उद्बोधन होने के बाद ही फाइनल मैच का खेल प्रारंभ किया जाएगा। मैं मदद करना चाहूंगा परम आदरणीय छोटे ध्रुव जी और यहाँ पे अंतिम पॉइंट यहाँ पे 24-18 लास्ट पॉइंट गेम बाल और यहाँ पे जीत का मैच जीत का खुशबू यहाँ पे हरियाणा टीम को बिल्कुल 1 पॉइंट चाहिए जीत के लिए और इस बार बाहर जाता हुआ आउट क्राई से भटकते हुए पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पे टेढ़ी को 19-24 अभी भी 1 पॉइंट बरकरार है यहाँ पे हरियाणा टीम का और इस बार बेहतरीन सप्लाई के साथ और ये 1 पॉइंट मिलता हुआ और हरियाणा टीम ने फाइनल में प्रवेश कर चुका है और फाइनल मुकाबला होगा यहाँ पे सुगंधपुरा नदी के टीम के साथ जैसे जैसे बेहतरीन मुकाबला टेढ़ी ने यहाँ पे बाहर जाता हुआ टूर्नामेंट से सेमीफाइनल से बाहर होता हुआ और हरियाणा टीम ने फाइनल में जगह बना चुका है और वहीं पे सुगंधपुरा नदी के टीम साथ बड़ी मुकाबला अंतिम फाइनल मुकाबला रात्रि का आज यहाँ पे संपन्न होगा कुछ देर के बाद लेते थे उसे